देश में इन दिनों कोलेजियम को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, जिसे लेकर देश की सभी विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है, तो वहीं अब इस लड़ाई में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी कूद चुके हैं। और ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता ट्विटर पर मोदी कैबिनेट में कानून मंत्री किरेन रिजिजू के पीछे पड़ गए हैं। अब क्यों और किस बात को लेकर, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल 22 जनवरी को कानून मंत्री किरेन रिजिजू 30,000 कोर्ट परिसर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों के साथ हुई बैठक में ये बयान दे दिया। अगर मैं आज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के हिसाब से काम कर रहा हूं, तो अगले चुनाव में हम फिर जाएंगे, अगर हमको जनता चाहेगा तो फिर सरकार में लाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, फिर हम भी सरकार का सवाल करेंगे। लेकिन जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं और लोग देख करके असेसमेंट भी करते हैं, ओपिनियन भी बनाते हैं। रिजिजू के इस बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए रिजिजू के इस बयान को ट्विटर पर रिट्वीट करते हुए लिखा, देश की सभी स्वतंत्र संस्थाओं पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करने के बाद अब ये लोग न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहते हैं। जनता ऐसा कभी नहीं होने देगी। न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। अब रिजिजू ने जजों के लिए चुनाव ना लड़ने और जनता को जवाब देने की बात कह दी, तो आम आदमी पार्टी को इस बयान के जरिए दिल्ली के एलजी को घेरने का मौका मिल गया, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने की। उन्होंने रिजिजू के बयान को रिट्वीट करते हुए लिखा, भारत के कानून मंत्री कह रहे हैं जज तो चुनाव लड़ते नहीं, तो जिस एलजी को आपने 2 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए सीएम अरविंद केजरीवाल के सिर पर बैठा रखा है, वो कहां से चुना गया है, उसको हटाओ तुरंत। इसी कड़ी में अपने नेता के सुर में सुर मिलाते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा, आपके एलजी ना चुनाव लड़ते हैं, ना कोई कॉलेजियम से आते हैं, ना कोई नैतिक जवाबदारी होती है, उनके बारे में क्या कहेंगे किरेन रिजिजू साहब। तो वहीं आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता दिलीप पांडे ने लिखा, क्या शानदार बात कही है किरेन रिजिजू जी, मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए चिंतित दिल्ली के एलजी महोदय के बारे में भी ऐसा ही ख्याल रखते होंगे, तो फिर कुछ करिए ताकि एलजी साहब दिल्ली वालों की छाती पर मूंग दलना बंद करें। चैरिटी स्टार्ट्स एट क्वेश्चन मार्क। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एलजी को लेकर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार में तल्खी किस कदर बढ़ चुकी है, जो अब दूसरी बार मेयर चुनाव ना होने पर आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।